अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप के उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करो और अपने तमाम अपने घर वालों का। और अपना भी जैसे पेंडामिक में है, पेंडामिक में ऐसा होता है कि इस दौर में हमें नहीं पता होता बेसिकली कि हमें किस तरह से सर्वाइव करना है, किस तरह से रहना। सेफ्टी इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। तो सेफ्टी को बरकरार रखना कि हम 10 लोगों से अगर मिलकर आ रहे हैं और 10 लोगों से वो लोग कैसे हैं मुझे हमें नहीं मालूम, लेकिन कोशिश ये होता है कि वो 10 लोगों से बचना कैसे है हमें ये मालूम, या 10 लोगों के पास मैं जा रहा हूँ और 10 लोगों के पास से मैं आ कर फिर मिल रहा हूँ आपको मुझसे या किसी से भी। तो एहतियात है क्या मुझसे COVID-19 की वजह से मुझसे सेफ्टी खुल गया, ये तो आपके लिए पहले पास है। और या आप कुछ लोग बाहर से आपसे मिलने आ रहे हैं या बाहर से लोग आपके पास आ रहे हैं तो ये नहीं पता होगा कि वो लोग किन लोगों से मिलकर आए, तो चीज़ें दिख नहीं रही हमें और ये आपके अंदर मुंतकिल हो जाएगी और ये बाबा एक मजाक में एक सीरियस कंडीशन में आपके पास चीजें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 और जहाँ से हमारी बात खत्म हुई थी वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक हमारा यहाँ पर ये चल रहा है कि पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आप अपने स्क्रीन पर जा कर सकते हैं और स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम अपने अगले टॉपिक और अगले लेक्चर को किस तरह से कंक्लूजन की तरफ लेकर आते हैं और आप कुछ चीजें रह जाएंगे और उसका भी उसमें देखेंगे, ठीक है जी। तो टॉपिक हमारी कल की बात हुई थी कि पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड कि किस तरह है। अच्छा, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में एक ग्रेट लीडर है जो बार बार हमें अपने लीडर का नाम नहीं पता होता है। तो पाकिस्तान में बेसिकली ये इतने लीडर हैं, आप चाहो तो स्क्रीन अपने मोबाइल से ऐसे कैमरे में कैसे कैप्चर कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसे कोशिश करो कि जो आपके तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं तो उसे पिक्चर ले लो, दोनों में से कोई काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये लीडर इनके नाम, तो अगर आप पिक्चर भूल जाओ तो यहाँ से आप कैप्चर कर दोगे जो आपके लिए हमने बनाया। ये वो लीडर है जहाँ पर पाकिस्तान को बनाने के लिए बेहद मुशक्कत, बेहद तकलीफें, बेहद परेशानी और बेहद काम किए उन्होंने। इनमें से आज शायद ही शायद कोई नहीं, सब दुनिया से रुखसत हो गए। तो मेरे बच्चे, तो इन लोगों की जो मेहनत है आज पाकिस्तान को और बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। इन लोगों ने पाकिस्तान को बनाकर दे दिया है, जब पाकिस्तान को बिगाड़ना है, पाकिस्तान को खत्म करना है, क्या सोचा हमने? पाकिस्तान को बेसिकली बेहतर बनाना है और जदीद दौर की तरफ लेकर आना है, जदीद दुनिया में शामिल होना है। जैसे और जो दिगर ममालिक है मॉडर्न वर्ल्ड जिसे कहा गया, चाइना हो जाए, जापान हो जाए और इवन इंडिया हो जाए, आपके पास इवन आपके पास आईटी में सबसे ज्यादा अगर मतलब पैसे अगर कोई कमाते हो तो इंडिया आपके पास, लेबर टेक्नोलॉजी में और आगे गए तो हमारे पास यूएसए है, ब्रिटिश और कई कौम और भी रशिया है, हम पीछे क्यों हैं? वजह अगर आप दीगर गाँव को छोड़कर अपने ऊपर तवज्जो दे दें तो शायद और ज्यादा बेहतरी आ सकती है। चलो खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं और ये लीडर है जाकिर अली खान। अच्छा, जाकिर अली खान को ना मिलन का खिताब दिया गया था। इन्हें कहा गया था, अगर हम लास्ट वर्ड को देखें तो जाकिर अली खान को कायदे मिलन कहा था। ये देखिए आखिर के सेकंड लाइन में देखें तो क्या कहा गया, कायदे मिलन। कायदे मिलन क्यों खराब किया? देखिए भाई, ये इन्हें शहीद किया गया था, इन्हें मारा गया था। जब वो स्पीच दे रहे थे तो अपने ही मुल्क के लोग थे जो फ्रंट पर गोली मारते हैं और इन्हें शहीद कर देते हैं। तो बताओ क्या ये हमारे लीडर की इज्जत होती? क्या हमने ये लीडर को मतलब हमने आगे ये देना था रिवॉर्ड? हद इंतहा हो गई। खैर, सिर्फ किन बातों के कि उर्दू स्पीच भाई, हम अगर कि जैसे अगर आप देखो तो वर्ल्ड आईसी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बट प्रेजेंट ने कहा अगर कोई कौम तरक्की कर सकती है तो बेसिकली वो कास्ट, नस्ल, जात, वो चाल में नहीं जाए तभी आगे बढ़ सकते हो। अगर ये सब सोचोगे कि वो उर्दू स्पीकिंग है, वो भाई ये सिंधी स्पीकिंग है, ये आपके पास बलोची है, ये आपके पास पख्तून है, तो भाई आप कामयाब नहीं हो सकोगे। सिर्फ आपको, मैं आपको एजुकेट करने के लिए बैठा हूँ और आपको अगर आप इंशाल्लाह आज आप ऐसे हो 5-10 साल के बाद अगर आप किसी पोस्ट में हो गए तो प्लीज नजरिया आपको इतना ठीक रखेंगे। अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखो तो भाई मिलन के खिताब उनको और उनको ऑनरी डिग्री दे दी, वो कांसास यूनिवर्सिटी थी, हम और आपने नहीं थी भाई ने। इसी तरह सर का खिताब अल्लामा इकबाल को, डॉक्टर का खिताब अल्लामा इकबाल को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी,
इस चीज के बारे में सोचो। आगे चलते हैं टारगेट स्पीच, तो जहां पर हमारी कल की बात यहां पर खत्म हुई और बताया गया था कि हम अलायदगी की वजह हम जान रहे कल, और हमें बताया कि हम और बेहतरी के लिए कैसे काम कर सकते हैं। ये तो अबाउट द चैप्टर, अबाउट द लेसन हो गया। आइए हेडिंग लगाते हैं लियाकत अली खान एक्सपेक्टेशंस। हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी पर, और मैंने कहा था पेन पेंसिल रजिस्टर हमेशा रखोगे ताकि आपको मैं छोटी छोटी चीजें डिलीवर कर दूँ, छोटी छोटी बातें आपको बता दूँ, तो आपको पता चल जाए कि बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हैं। सारे सारे चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते, सारी सारी चीजें तो नहीं पढ़ सकते, और सारी चीजें याद भी नहीं रहती, तो छोटी छोटी बातें अगर लेक्चर की मेरी याद हो गए कमाल हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें मेरे बच्चे। तो लियाकत अली खान एक्सपेक्टेशंस, आइए देखिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे लियाकत अली खान। हम कॉम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे दिगर कॉम से, जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कांसास ने उन्हें ऑनर डिग्री की और वो यूएसए गए, अपने स्पीच में क्या कहते हैं आइए चलें स्क्रीन पर। In his speech at Kansas, Kansas University में बयान करते हुए, खिताब करते हुए कहते हैं, लियाकत अली खान tried to explain the expectations Pakistan had, double acronym had from America. वो ये चाहते थे कि अमेरिका जो है, देखो यार, कोलेंट्री निर्माण का, and Western world कि वो उनकी मदद करें। According to him, उनके मुताबिक पाकिस्तान वाज वन ऑफ द डेवलपिंग एशियन कंट्रीज। मतलब इस स्पीच में लियाकत अली खान ने खुलकर बताया है, खुलकर कहा है, आफ्टर थ्री इयर्स जिस बात के लिए हम अलग हुए थे वो बात अंग्रेजों के हम गुलाम नहीं हो सकते और हिंदुओं के साथ अपनी जिंदगी पसंद नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग हुए थे। और तीन साल के बाद अल्लामा इकबाल खड़े होकर ये कहते हैं और ये मानते हैं कि डेवलपमेंट कंट्री के लिए, मतलब अमेरिका और वेस्ट यूरोप कंट्री, वो हमारी मदद। उस वक्त मांगने की वजह कुछ और थी, हमारे लोगों ने उसकी वजह कुछ और समझा, अब वो हर वक्त मांगते हैं। उस वक्त मांगने की वजह सिर्फ पाकिस्तान है ना, सिर्फ पाकिस्तान, हम मॉडर्न वर्ल्ड में दाखिल नहीं हुए थे, टेक्नोलॉजी थी नहीं मेरे पास और कारोबार थे, कारोबार है नहीं, कोई बहुत कारोबार करना ही नहीं चाहते थे मुसलमान के साथ, आज भी नहीं चाहते। चंद कौमें करती हैं, वो अपने मफादात के लिए करती हैं, कोई कौम करना चाहती नहीं बात मुसलमानों के साथ कारोबार। वजह क्योंकि हम दूसरों से अलग पाए जाते हैं, हम सूद पर काम नहीं करते, लेकिन आज हम सबसे ज्यादा सूद पर काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा गलत काम हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे। वो कर क्या रहे हैं हम माशरे के साथ, सोचो। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर अमेरिका से और खासतौर पर वेस्टर्न ममालिक से खुलकर मदद मांगी। अकॉर्डिंग टू हिम लिखा गया, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक, लियाकत अली खान के मुताबिक, पाकिस्तान वाज वन ऑफ द डेवलपिंग एशियन कंट्रीज, वो एक उभरती हुई बढ़ती हुई एशियन ममालिक में से बेहतरीन कौम, trying to peace on the way of the progress। और ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं और कोशिश भी करेंगे कि हम किसके लिए काम करें, trying to peace on the way of the progress, हम अपने सुकून के साथ तरक्की के लिए गामजन रहेंगे, आगे बढ़ें। पहले तो एक्सपेक्टेशन लिखो, हेडिंग लगा दिया आपने, पॉइंट नंबर वन लिखो, पॉइंट नंबर वन क्या लिखो, क्या फर्स्ट लाइन से लेकर सेकेंड लाइन पर, रीड फास्ट, क्या हेडिंग लगाया आपने, लियाकत अली खान एक्सपेक्टेशन लगा लिया, और फर्स्ट और सेकंड लाइन तक लिखो, फर्स्ट और सेकंड लाइन तक लिखो जल्दी से। आपको यकीन दिलाते हैं कि हम तरक्की के लिए, हम सुकून के लिए काम करें।
ओके हैड डेवलप कंट्रीज हेलमेट लो भाई लव्स और शब्द दोनों आ गए इसके पास तो शब्द है हेलमेट और क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट कंट्रीज मतलब बड़ी कौम है ताकतवर कौम है हमारी मदद को आए आज वो ये बोला है It could have joined them the same capacity to maintain the rate of the progress Pakistan was looking toward the advanced nation such as America to all helping hand. इससे खुले अल्फाज बोल नहीं सकते मेरे बच्चे लियाकत अली खान ने इस लाइन पर खुलकर स्पीच किया और कहा क्या कहा कि it could have joined them in the same capacity. ये उभरती भी कौम एक ताकतवर कौम हमें उसी सेम कैपेसिटी पर रखे रेट पर रखे बराबर के चले गए 1940 यूएन कब बनाया 1948 यूएन के दशक 1945 से लेकर 1948 को मुकम्मल हो गई 1947 तो भाई हम कहां थे हमारे वजूद नहीं यही वजह है कि ये मुसलमान लियाकत अली खान कह रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी पर रखा जाए हमें भी वही इज्जत दी जाए जो दीगर ममालिक को दी जा रही है मुसलमान अगर अलग हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क से अलग हो गए दुनिया से अलग हो गए हमें भी उनकी ममालिक में शामिल की जाए और इज्जत सिर्फ कैपेसिटी में दी जाए और काम टू मेंटेन द रेट ऑफ द प्रोग्रेस पाकिस्तान और तरक्की का जो रेशो है उसी रेशो में अगर तोला जाए नापा जाए तो जिस दिगर ममालिक को रखा गया है ये कहा जा रहा है और पाकिस्तान वॉज लुकिंग टूवर्ड द एडवांस्ड नेशंस और पाकिस्तान उन कौमों के तरफ अकवामों के तरफ देख रहा है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है सच एज अमेरिका कहा कि सबसे पहले अमेरिका टू ओ हेल्पिंग हैंड ओ का मतलब होता है इज्जत रिस्पेक्ट है हमें हमारी मदद करें और पुरानी अंग्रेजी लोगों का मतलब क्या है उधार लोन के लिए लिया जाता है दोनों में नहीं है यहाँ कहते छुपे अल्फाज अंग्रेजी में ये अल्फाज भी बड़े कमाल के क्या ओ हेल्पिंग हैंड मतलब इस क्राइसिस में अमेरिका हमारी मदद कर ले चाहे वो हमारे इज्जत से हो या दौलत से हो पैसे से हो खूब सब बड़े चेक करिएगा ठीक है खैर अमेरिका हमारी मदद करे तो चले ये भी ट्राई लिखिएगा एक्सपेक्टेशन के सेकंड पॉइंट हमारे पास है यहां से It could have joined 1, 2, 3, 4 line. 4 line से लेकर 4 line से लेकर 6 line तक लिखेगा यहाँ से 4 line से लेकर 6 line तक 4 line से लेकर 6 line तक लिखेगा जल्दी से बेटा क्विक क्योंकि आप लेक्चर ले रहे हो साथ साथ लिखते चले जाओ अगर हम आगे बढ़ गए तो चीजें अधूरी की अधूरी रह जाएंगी कम ऑन बिग फास्ट एक हो गया जी याद है हम लिख लिया ये हमने सेकंड या लिख चुके हैं इस सेकंड पॉइंट हो गया एक्सपेक्टेशन लियाकत अली खान व्यूड द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान नॉट मेरली एज द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री लियाकत अली खान का मतलब तरक्की सिर्फ मुल्क की तरक्की नहीं सर्कल पे नहीं चाहिए वो कह रहे हैं बस क्या चाहिए कंट्री बट एज अ डेवलपमेंट एंड द सॉलिडिटी ऑफ एशिया कहा कि सिर्फ तरक्की सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि एशिया में जो हम तनहा है हमें ऊपर लाया जाए मतलब दिग्गर ममालिक जो है मुस्लिम कंट्री को पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं तो लियाकत अली खान कह रहे हैं कि हमें एशिया में एक मुकाम और तनहाई जो है वो खत्म होनी चाहिए मुकाम चाहिए और तनहाई खत्म हम तो तनहा अपनी जिंदगी सर्वाइव कर रहे हैं वो तनहा ना हो हमारे साथ कारोबार हो लेन देन हो पैसे हो तिजारत हो इज्जत हो मयार हो रुतबा हो वो सब हमें मिले और हम शामिल हो उसी कौम के साथ सेम कैपेसिटी और प्रोग्रेस के रेट के साथ
रखेगा, रखोगे यहाँ तो ये देखो यही वो बचा है। ये तीसरे पॉइंट बन सकते हैं, अगर बनाना चाहो लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो डेवलपमेंट एंड सॉलिड इक्वेशन, और कहाँ से अगर लिखना चाहो तो नॉट ओनली कहाँ के व्यू व्यूज आए व्यू द वर्क प्लेस पाकिस्तान नॉट मैपिंग एज अ प्रोग्रेसिव कंट्री बट एज अ डेवलपमेंट एंड सॉलिड इक्वेशन, ये भी आप चाहो लिख सकते हो बिल्कुल खाली जगह। ऐसे वाज द फैक्ट व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर सिर्फ एशिया की बात करें, एशिया ना एशिया की बात करें तो वो दुनिया के निचले तबके में पाए जाते हैं, मतलब गुर्बती होती है यहाँ पर, गुर्बती पाई जाती है, कच्ची आबादी है, टेक्नोलॉजी नहीं कल्चर पर विकास। तो कहा कि दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड निचले तबके के होते हैं, वेदर पीपल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पॉवर्टी। आइए देखिए ठीक बता रहा था, कह रहे कि यहाँ एशियन जो ममालिक है वो गुर्बती का सामना करते हैं और बीमारी का सामना करते हैं और नफरत पाई जाती है हमारी कौमों में। अगर एशिया सिर्फ नफरत को दूर कर ले कामयाब हो जाए मेरे लिहाज से, और मिलकर काम करें कामयाब हो जाए, सिर्फ एशियन कौम मिलकर काम कर ले मेरे लिहाज से, एशियन कौम मिलकर काम कर ले तो कामयाब। तो यहां पर वो टू मेक द वर्ल्ड द वर्ल्ड विद पीपल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पॉवर्टी दिस इज एन एक्नॉलेज, ये भी निचला पार्ट है और निचले पार्ट मतलब नीचे तबके की कौम है एशियन, तो यहाँ गुर्बती पाई जाती है। हम कौम एशियन जो है गुर्बती का सामना करते हैं, हम कौम एशियन जो है बीमारी का सामना करते हैं, हम कौम जो एशियन है हम नफरत लड़ाई झगड़े को ज्यादा करते हैं। आज से बचना है टू मेक द वर्ल्ड, आइए एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज ज्यादातर खान बताते हैं और कहते हैं टू मेक द वर्ल्ड प्रोस्पायरस एंड स्ट्रॉन्ग, तो आज हम दुनिया को खुशहाल और तरक्की मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज सपोर्टेड बाय द डेवलप्ड कंट्री, तो हम चाहते हैं कि इस हिस्से पर मेजर पार्ट अहम हिस्से पर ताकि हमारे मुल्क से गुर्बती खत्म हो, हमारे मुल्क से बीमारी खत्म हो, हमारे मुल्क से नफरत खत्म हो, अगर तरक्याती कौम पर सपोर्ट करे हमारी मदद करे तो हम एक ताकतवर एक खुशहाल कौम बनकर उभर कर सामने आ औसम औसम वे ऑफ कन्वेंस डिलीवर ऑफ थिंकिंग नाइस ये डिलीवर कर रहे हैं अपने व्यूज। आइए देखते आगे चलते हैं, बीइंग सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ एशिया अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान could be a guarantee of peace in her continent. हर इस्तेमाल के लिए लड़की के लिए भी वतन मादरे वतन मादरे वतन इसलिए हर इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव परिणाम। ठीक है अगर हम मैंने हर इस्तेमाल कर लिया ना लगेगा भाई काश कौन कौन देश बाहर निकल तो यहाँ पर देख लो भाई अंग्रेजी में हर लिखा है इसे ऑब्जेक्टिव परिणाम रिफ्लेक्टिव परिणाम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि पाकिस्तान हमारा वतन पाकिस्तान इज आवर कंट्री इट इज ब्यूटीफुल ये है ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्टिव किसे कहते हैं पाकिस्तान इज आवर कंट्री शी इज ब्यूटीफुल बात क्या लगा था इट इज ब्यूटीफुल ये है आपका रिफ्लेक्टिव। तो जहां पर बताया पाकिस्तान सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ एशिया पाकिस्तान जो है वो एशिया के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है विच ऑफ मरकज में और कहा जाता है पाकिस्तान could be a guarantee of peace in हर continent और पाकिस्तान इस बात के लिए guarantee मतलब वो वादा कर ले guarantee देता है इस बात के लिए कि वो अपने हिस्से में अमन सुकून जरूर कायम continent अपने हिस्से अपने At that time, only Pakistan was unified enough to lead other countries of her part to one way of protest. Kaafi sirf, at that time, only Pakistan was unified enough to lead other countries of her part on the way of protest. कहा जाता है कि वो अपने वक्त में पाकिस्तान मतलब कि काफी नहीं है उनके लिए कि वो अपनी जिंदगी अकेले से कम से कम वो भी लीड करे दीगर ममालिक को तो वो उसको भी शामिल किया जाए एक तरह की ममालिक और वो भी मुल्क के लिए खत्म करना लोगों के लिए काम करें
the Mohan Telegram. At that time, only Pakistan was unified enough to be lead other countries of our part of the world. They were bigger Mohan for me, Shaman Kerke, Muski Madakas. Unko bhi ye mauka faraham kiya. ये हो गया तीसरे एक्सपेक्टेशन जो आप यहाँ पे ले सकते हैं. So America and a developed nation should support Pakistan. अभी पढ़ चुके, अभी भी बता रहा हूँ कि इलाका अली खान ने कहा अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करे and help it to improve its economical, educational and social knowledge ताकि वो हमारी मदद करे. किसमें? Economical, माशी माशी रिसोर्सेज हंटिंग पर, तजारत पर, एजुकेशनल तालीम पर और मार्शल तेल फ्रांस करने में हमारी मदद. तो ये भी फोर्थ पॉइंट लिखेगा. डेवलप्ड नेशन आखिर के दो लाइन लिखेगा फोर्थ पॉइंट. ठीक है, डेवलप्ड नेशन शुड सपोर्ट पाकिस्तान. फोर्थ पॉइंट लिखेगा बेटा, डेवलप्ड नेशन शुड सपोर्ट पाकिस्तान एंड हैव इट इंप्रूव इट्स इकोनॉमिकल एजुकेशनल. चार पॉइंट लिखते हैं आप. ये एक्सपेक्टेशन है लियाकत अली खान, क्या है वो तवक्का करते हैं कि पाकिस्तान की मदद की जाए. ये पहले मांगा गया और आज भी मांग रहे हैं. आज मांगने की कोई वजह क्या? तमाम के तमाम रिसोर्सेज है, तमाम जरूरी चीजें हैं. फर्टिलाइजर है हमारे पास, कारोबार है हमारे पास, इंडस्ट्री है हमारे पास, गंदुम कपास गेहूं सब है हमारे पास. आज क्यों मांग रहे हो? पहले की चीजें वसाइल नहीं थे हमारे पास. आज काम करो भाई, आज सपोर्ट की जरूरत नहीं है. आज भी सपोर्ट, आज काम करते हैं, पास सपोर्ट चाहिए आपको. पहले सपोर्ट की जरूरत थी क्या? हमारे पास कुछ चीजें नहीं थी, तब की वजह समझ आती है, अब की वजह समझ नहीं आती. मजीद जो है फिर हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की वजह क्या है वो देखेंगे और ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे अगले लेक्चर के लिए. तो हम सेकेंड लेक्चर को भी यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और हम तो पढ़ने ताकि आप आराम से चीज़ों को समझ सकें, चीज़ों को पढ़ सकें और सेंसेस को लिख सकें. तब हो जाएगी ये सारी चीज़ें. तो मैं आपको जैसे चैप्टर मुकम्मल हूँ तो आपके इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को निशाना कर दूंगा. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपको आपके रजिस्टर पर करने होंगे या नोट से याद करने होंगे तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा. ठीक है मेरे बच्चे, ताकि इम्पोर्टेंट चार लिखा दे कि भाई इस चैप्टर से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे. सही, तो ताकि जो आप फाइबर से मैच कर लोगे कौन कौन से सवाल आपके पास आए, कौन कौन से सवाल नहीं है, जो मैंने लेक्चर दिए वो वाकई है या नहीं, ये भी आप जान लोगे. तो यहाँ पर आप सेकंड लेक्चर को मुकम्मल करते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ठीक है, अल्लाह हाफिज. और हम किसी किसी को भी परेशानी हो ना अपने एडमिन अपने नॉन स्टूडेंट तो जरूर आप बता दो. नहीं है तो टीचर्स हमारे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप है उसमें सारी चीजें हैं, उसमें आप बता दो. सर केंद्र से मसाइल हो रहे, आपकी आवाज़ शुरू आ रही है, आप बहुत तेज बोल रहे हैं, क्या मेरे लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहे, सर ये टॉपिक पढ़ा दें, सर वो टॉपिक की चीज रहे, तो वो मैं आपको ओवर कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ है. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर वालों को भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सेफ्टी का खास ख्याल रखिएगा. जब उन्होंने पैंडमिक की वजह से अगर चीज़ें नहीं नजर आ रही इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें हैं. खैर मजाक मजाक में सीरियस ना हो जाए तो प्लीज़ ठीक है. अल्लाह हाफिज़.